फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये लेफ्ट ओवर डॉग पीसीस है, तो इससे हम नाश्ता बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे मसाला लिया है, अदरक है, चाट मसाला है, हरी मिर्च है, सॉल्ट है और ये प्याज कटी हुई। अब मैंने ये बनाया था मूंग की दाल के चीले, तो ये पेस्ट बच गया था, तो मैं इस पेस्ट का भी यूज़ करूँगी। लगा कि मुझे नाश्ते में कुछ बनाना है और कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो मैंने ये आइडिया आपको बताने जा रही हूँ। अब इसको भी हम मैश कर लेंगे अच्छे से, हाथ से हो जाएगा, ज़रूरी नहीं कि इसमें मिक्सी का यूज़ हो। और इसको हम सब चीज़ों को मिला लेंगे। ये कर लिया है, अब इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे हम। ये दाल भी डाल लेती हूँ, और कुछ मसाला हमारा ऑलरेडी दाल में है, और कुछ मिर्ची वगैरह पिसी हुई है, जो हम जीरा वगैरह, तो काफ़ी मसाले से मेरे ऑलरेडी हैं, ठीक है ना। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मलाई। ये सब वही चीज़ें हैं जो हमारे घर में मौजूद हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हमने पेस्ट बना लिया है और अच्छे से हाथ से मिक्स कर लिया। और किचन में अब इसके हम छोटे छोटे ये पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाकर एक प्लेट में हम रखते जाएंगे। इन सबको हम ये अपने पैन में रख लेंगे। और ये नॉन स्टिक पैन है, इसमें ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, और सबको हम गैस पर सेक लेंगे। मैं इनको पलट पलट कर ये सेक लूँगी चारों साइड से, क्योंकि इसमें दाल भी है, कच्ची है वो भी, तो इसको अच्छे से सेक लेना है चारों तरफ से। और बीच के जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि बीच में गैस ज़्यादा होती है और चारों तरफ गैस कम होती है, तो इसको इस बात का केवल ध्यान में रखना है। कभी भी आप घर में ये ना सोचें कि जरा सी चीज़ तो बची है, इसको गाय को डाल दें, फेंक दें, या इसको भी बना के रख दें, फिर वो पड़ी रहती है तो उसको कोई नहीं खाता। अगर मैं एक चीला बना लेती तो कोई खा तो रहा नहीं था, तो वो हो सकता है कि वेस्ट भी जाता, बेकार जाता। तो इसलिए कोई भी चीज़ थोड़ी सी बचती है तो कहीं ना कहीं उसका रीयूज़ हो जाता है अच्छे से किसी दूसरी रेसिपी में बनाने को। यदि कोई भी गृहिणी अपने किचन में अच्छे से काम करती है तो उनको इन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब आपने देखा कि एक चमचा मेरा पेस्ट था, वही काम आ गया। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें मिक्स करके ही आपका अच्छे से नाश्ता बन जाता है। अब इवनिंग टाइम में टी टाइम स्नैक्स आप इसको बना सकते हैं, ये मॉर्निंग टाइम में भी बना सकते हैं, ये मेरा मॉर्निंग टाइम है। तो जैसे भूख लगती है तुरंत किसी ना किसी चीज़ का एकदम याद आता है कि क्या रखा है, उसको बना लिया जाए। तो आइडिया भी तभी आते हैं जो हमारे घर में चीज़ें रखी होती हैं लेफ्ट ओवर। और भूख नहीं होगी तो आपका किसी भी चीज़ को ना तो मन करेगा, ना आपके दिमाग में कोई आइडिया आएगा। ये आप एक बार सोच कर देख लेना, कभी अगर आपको भूख नहीं है तो कोई भी आइडिया आपके दिमाग में नहीं आएगा कि मुझे क्या खाना है, किस चीज़ का मन कर रहा है, मीठा, नमकीन, किस चीज़ का, लिक्विड, ड्राई। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कोई रेसिपी बनाने से पहले कि हमें किचन में क्या बनाना है, पहले आप अपने दिल और दिमाग से पूछिएगा और प्रिपेयर्ड हो जाइए कि हमें क्या खाना, क्या बनाना है। तो फिर देखिए वो चीज़ बहुत अच्छी टेस्टी बनती है अगर आप वो खाने को दिल से बनाते हैं। बातें करते करते मेरे ही सीख गए हैं और ये अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। और आपने मिर्च मसाला तो देख ही लिया है, अपनी पसंद से डाल सकते हैं। अगर ये दाल फीकी होती तो हम इसका मीठे भी बना सकते थे, इसमें सूजी वगैरह डाल करके। कभी बने रहिएगा, बेल प्रेस करके रखिएगा, ताकि आपको ऐसे नई नई आइडिया मैं देती रहूँ और आप एंजॉय करते रहें और मैं भी इसी बहाने एंजॉय करते रहूँ, नई नई चीज़ें खाते रहें। तो गैस की फ्लेम कर देते हैं बंद, और हम भी एंजॉय करें, आप भी एंजॉय कीजिए। और चीप एंड बेस्ट नाश्ता है, आपके घर में कुछ भी मैं ख़राब नहीं जाने दूँगी। अगर मेरे आप चैनल पर बने हुए हैं तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलते रहेंगे। वीडियो को पूरा देने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। हमेशा वीडियो को फुल देखना है।